अपने अंडर में लेने के लिए, कब्जा करने के लिए एई पर, जेई पर और कई लोगों पर भी दबाव बनाया था। हालांकि जेई इतना व्यवहारिक है, इतना ईमानदार है कि यह काम होने नहीं दिया, वरना दूसरा कोई अधिकारी होता तो यह इतनी बड़ी जगह कब्जे में चली जाती और रछोया इस पर मालामाल हो जाता। नमस्कार, मैं जय निवास, अभी मैं मौजूद हूँ नांगलोई क्षेत्र में। आइए मैं आपको एक सच से अवगत कराता हूँ किस तरह से सरकारी बिल्डिंग पर लोग कब्जा करते हैं और अपनी मनमानी चलाते हैं। न केवल मनमानी चलाते हैं बल्कि क्या कुछ करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं, आप यह देख लीजिए आपके स्क्रीन पर, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड दिल्ली सरकार द्वारा संचालित रायगढ़ चौपाल, जिसे सी ब्लॉक नांगलोई फेज 2 नई दिल्ली, बुकिंग राशि वगैरह वगैरह कुछ लिखा हुआ है, लेकिन यह सच नहीं है, यह तो महज एड्रेस है। आपको मैं बता दूँ, यह डुसिप द्वारा संचालित रायगढ़ चौपाल पहले किसी और के पास था, इस पर किसी और का कब्जा था और कब्जा के दौरान क्या कुछ था उसका एक बानगी सिर्फ देखिए। माननीय श्री चतर सिंह रछोया, बिल्कुल सही, आपके स्क्रीन पर जो कुछ दिख रहा है वह सही और सत्य है। यह चतर सिंह रछोया द्वारा बनाया हुआ चौपाल है और चौपाल का सच क्या है, आइए हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। यह बहुत विहंगम चौपाल था, चतर सिंह रछोया ने आंदोलन किया था तब यह चौपाल बना था। यह पैसे कोर्ट के लड़ाई के बाद उसको आवंटित हुआ था दिल्ली सरकार द्वारा और उसका उद्घाटन उन्होंने स्वयं किया था। जैसा कि यहाँ यह शिलापट्टी बाद में लगाया गया है, लेकिन उस समय वह उद्घाटन खुद किया था जब मैं मौजूद भी था उस समय भी। अभी गवाह क्या है, आइए आपको सच क्या दिखाता हूँ। यह रैगर समाज के लिए चौपाल बना था और बुकिंग भी उसी समाज के लिए होता है, लेकिन आज का अगर सच देखेंगे तो कुछ और भी है। आपको मैं अंदर लिए चलता हूँ। जगह जगह पे एक छोटा सा समुदाय भवन में इतने सारे आपको सूचना पट बोर्ड दिख जाएंगे, आपको भी हैरानगी होगी कि यह क्या चीज़ है, ऐसा क्या भवन है जो इतने सारे बोर्ड। देखिए कि यहाँ भी रैगर चौपाल अध्यक्ष चतर सिंह रछोया। अब इस अध्यक्ष का क्या मतलब है और चौपाल में इस बोर्ड का क्या मतलब है, जहां प्रबंध दिल्ली अनुसूचित जनजाति विकास संगठन रजिस्टर द्वारा लिखा गया है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। और यह देखिए, अब जब 6 साल पहले दिल्ली सरकार ने इसको अंडरटेकिंग किया तब दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार लिखा है। और यह कितना सुंदर हॉल है, यह इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं कि चचा चतर सिंह रछोया के प्रयास से बना था, क्योंकि यहाँ आसपास रैगर समाज के लोग रहते हैं। लेकिन इसका दूसरा सच हम आपको दिखाते हैं। चलिए, इस हॉल के पीछे अभी रैगर समाज की शादी विवाह सार्वजनिक उत्सव धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों के लिए बुकिंग होती है, जैसा कि यहाँ आप देखते हैं। फिलहाल इसका संचालन डुसिप द्वारा किया जा रहा है, लेकिन हम आपको अंदर लिए चलते हैं, आइए क्या कुछ होता है आप भी देखिए। इतना विहंगम बिल्डिंग, 2 मंजिला बिल्डिंग, यह रैगर चौपाल का है जिसे सामाजिक कार्यों के लिए बुक किया जाता है। और बुकिंग राशि क्या है, सच क्या है, हम आइए यहाँ के सुरक्षा गार्ड जो रखवारी करते हैं। आपका नाम क्या है? रामाशीष पासवान। रामाशीष पासवान, कितने दिनों से आप यहाँ हैं? 5 साल हुई होगा। 5 साल, जब यह अंडरटेकिंग मिला सरकार को तब आप लिए हैं। हाँ। यह पहले किसके पास था? पहले चतर सिंह रछोया के पास। चतर सिंह रछोया, आप जानते हैं उनको, देखे हैं? यहाँ जानते हैं, बोलते हैं लोग। जैसा कि मैंने भी सुना है और आज से 4-5 साल पहले आया था, तब चतर सिंह रछोया ने यह खाली पड़ी जगह को अपने अंडर में लेने के लिए, कब्जा करने के लिए एई पर, जेई पर और कई लोगों पर भी दबाव बनाया था। हालांकि यहाँ का जेई इतना व्यवहारिक है, इतना ईमानदार है कि यह काम होने नहीं दिया, वरना दूसरा कोई अधिकारी होता तो यह इतनी बड़ी जगह कब्जे में चली जाती और रछोया इस पर मालामाल हो जाता। हालांकि रछोया के हाथ नहीं लगा। एक और सच आपको मैं दिखाता हूँ, इतना बड़ा सार्वजनिक जगह बुकिंग के लिए है, आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। वो भाई इधर गए हैं। यह इसकी बुकिंग राशि क्या है? 90 दिन का कहते हैं तो 12,018 रुपये लगता है। 12,018 रुपये बुकिंग राशि। फिर लौटाई जाती है क्या इसमें? 5,000। उसमें क्या क्या सुविधा देते हैं आप?
बिजली देते हैं या पानी से हमसे वो लगा देते हैं। बिजली इस हॉल के अंदर देते हैं? हाँ। और खाली मैदान में? खाली मैदान में जनरेटर लोग, बाकी टेंट वगैरह जो लाइट वगैरह सब वो अपना लेके आते हैं। हाँ। इधर आइए आप सांसद जरा सा, ये इसमें हम चौपाल में जब कार्यक्रम यहाँ होता है तो यहाँ किचन का काम होता है, रसोईया का काम होता है, और यह बैक गेट है जहाँ से गाड़ियों की एंट्री दी जाती है। हालांकि यह वीडियो आपको मिले, अगर आप सत्तर सिंह रछोया को जानते हैं तो टैग कीजिए। यहाँ अभी कल शादी उत्सव है जैसा हमें बताया गया है, इसलिए यहाँ भी टेंट का काम चल रहा, लेकिन सच क्या है आइए हम आपको एक और सच दिखाते हैं। इसलिए मैं इस अंदर आया है, यह बेंच पहले यह देख लीजिए, यह बेंच पे बिल्कुल सादा सपाट बेंच है, लेकिन जो ऊपर यहाँ ये नाम पट्टी की जगह है यहाँ बिल्कुल बंद है। और क्यों बंद है उसका भी एक कारण है, कारण से पहले आपको बता दूं कि यह बेंच डॉक्टर उदित राज सांसद फंड से बनाया गया था, और एक दो नहीं ऐसे सैकड़ों बेंच समुदाय भवन के खाली परिसर के चारों तरफ ऐसे सैकड़ों बेंच लग रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा सच आपको बता दूं, जिस तरह से इस बेंच पर फिलहाल डॉक्टर उदित राज सांसद फंड से यह बेंच लगा है, और लिखा गया है इसका सच यह भी है, जीता जागता पुख्ता जीवंत गवाह। यह नाम जो सांसद का था उसे मिटा दिया गया, और मिटाने का काम चत्तर सिंह रछोया द्वारा किया गया, जो पहले यहाँ उसके संबंधित लोग पार्षद भी रहे हैं। जब मैंने कहा कि चत्तर सिंह रछोया ने इस समुदाय भवन को बनवाने में काफ़ी योगदान दिया था, चूँकि अब यह सरकारी है वह अपने अंडरटेकिंग में लेना चाहता था अपने संस्था के तहत, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब इस बेंच को सांसद उदित राज का नाम सीमेंट से मिटवा दिया है, और इस बेंच को किसी निजी हाथों में बेचना चाहता था, लेकिन यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने काफ़ी मेहनत अपने हौसला दिखाया। क्या कुछ हुआ था? वो जाने नहीं दिए, आए थे लेने के लिए। तो ये बेंच पर नाम मिटा कैसे? वो सीमेंट से मिटा दिया था, कोई लेने वाला था उसी को भेजा था, वही मिटवाया है। तो फिर आपके रुकने से वो रुक गया? हाँ। आपने क्या किया? हमारा जय जी कहाँ फ़ोन किया, जय जी है, जय जी आता जे ई जेई। अच्छा, जिसके अंडर में यह जगह है, जिसकी देख रेख जेई करता है, जूनियर इंजीनियर करता है, उन्होंने, उसका नाम क्या है? रविंदर जेई। रविंदर जेई, उन्होंने ईमानदारी पूर्वक काम किया और इस इतने सीमेंटेड बेंच को इस परिसर से बाहर निकलने में मदद की, और जितने भी यह सीमेंट लगा के नाम बंद किए गए थे, चत्तर सिंह रछोया का प्लान यह था एक एक करके यह सारे बेंच यहाँ से उठवा दी जाए। उसका प्लान तो यह भी था कि इतने बड़े, ये खाली जगह कितने जगह होगा ये अंदाजा हम तो नहीं लगा सकते, लेकिन हम लोग तो बीघा बोलते हैं सर, बीघा। हाँ, बिहार में बीघा बोला जाता है। हाँ, हाँ, कितने जगह होगा? कम से कम सर डेढ़ बीघा से कम नहीं होगा। डेढ़ बीघा मतलब उसको कह ले हजार फीट से, ये हजार गज से ऊपर की जगह है जिसपे कब्जा करना था। और मजेदार बात देखिए, तब उसके अंडर में था तो यह जगह की बुकिंग तब देता था जब टेंट भी उसी का हो, और टेंट होने में जनरेटर लाइट सब कुछ उसका होता था। और मजेदार बात देखिए, इस खंभे से लाइट की भी चोरी करता था वो, और पैसे टेंट और जनरेटर के नाम पे काटता था। इसका एक पुख्ता जीवंत उदाहरण मैं आपको बता दूं, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, यह देखिए लाइट, लाइट कनेक्शन, चूंकि पहले यह लाइट अंडरग्राउंड था तो यहां से लाइट जलवाता था, और बदले में जनरेटर के नाम पे पैसे बुकिंग वालों से लेता था। यह चत्तर सिंह रछोया की हरकत है, चत्तर सिंह रछोया का व्यवहार है, चत्तर सिंह रछोया का कैरेक्टर है जो इन्होंने कहा। लेकिन यहां के जेई वाकई ईमानदार है, और जेई के साथ साथ यह सिक्योरिटी गार्ड जो यहाँ रखवाली कर रहे समुदाय भवन की, इनके ईमानदारी की दाद देनी पड़ेगी, जिससे यह अभी तक रछोया हाउस कह ले, रछोया के नाम पे बना समुदाय भवन कह ले, जीवंत है और सामाजिक लोगों के काम में आ रहा है। आपको खबर अच्छा लगे तो संबंधित विभाग को टैग कीजिए। तब तक के लिए जय निवास का नमस्कार।